है श्रुति। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक और नया सर्वे सामने आया है जिसने यूपी की सियासत में उथल पुथल मचा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की प्रबल संभावना बनी हुई है। सर्वे के मुताबिक भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन इस सर्वे में पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 108 सीटें कम मिलने की संभावना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा दिखाया गया है। अखिलेश यादव की पार्टी को आने वाले चुनाव में 156 सीटें मिलती हुई दिखाई गई, यानी बीजेपी को जितनी सीटों का नुकसान होगा वो सीटें एसपी अपने खाते में ले जा सकती है। सर्वे में सबसे खास बात है कि इसमें मायावती को रेस से बाहर बताया जा रहा है। सर्वे में 69% लोगों का मानना है कि मायावती इस बार विधानसभा चुनाव के रेस में नहीं है। वहीं 31% लोगों का कहना है कि मायावती को चुनावी मुकाबले से बाहर नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की सक्रियता का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को सर्वे के अनुसार सिर्फ 6 से 10 सीटें ही मिल सकती है। इस सर्वे में बीजेपी को 213 से 221 सीटें, समाजवादी पार्टी को 152 से 160 सीटें, बसपा को 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें व अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को अपने वोट शेयर में 0.7% की मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है और इसका शेयर 40.7% पर रह सकता है, क्योंकि वह पिछले बार के मुकाबले 108 कम सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा सपा अपने वोट शेयर में 7.1% की बढ़ोतरी के साथ 31.1% वोट पाने में कामयाब हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ राज्य के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। सर्वे में योगी को सबसे अधिक 41% लोगों ने सीएम के रूप में पहली पसंद बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को 31% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। सीएम के रूप में मायावती को 16% लोगों ने पसंद किया है। प्रियंका गांधी के सीएम बनने के पक्ष में महज 4% लोग ही हैं। वहीं 2% लोग राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन इस सर्वे में सबसे अहम मुद्दा कौन सा है, आइए जानते हैं। यूपी चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। सर्वे में 30% लोगों ने कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा माना। वहीं 14% लोगों का मानना था कि यूपी में राम मंदिर मुद्दा रहेगा। 15% लोगों ने किसान आंदोलन को इस बार चुनाव में मुद्दा माना। सर्वे में 17% लोगों का मानना था कि बेरोजगारी भी इस चुनाव में मुद्दा रहेगी। सामाजिक सौहार्द और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क, पानी को 3% लोगों ने मुद्दा माना। इस सर्वे से एक बात साफ है कि महंगाई, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों का असर कम दिख रहा है, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर हमलावर दिखता है। राज्य के लोग कानून व्यवस्था को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वैसे पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। तो आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी करें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।